होशंगाबाद के पिपरिया से लगे हुए ग्राम हथवास के शासकीय कन्याशाला में आग लगने का मामला सामने आया। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं नगर पालिका सीएमओ ने तत्काल पहुंच आग पर पाया काबू। स्कूल प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, जिसमें स्कूल की पुरानी पुस्तकें जलकर खाक हो गई हैं। स्कूल प्रबंधन चिन्हित कर असामाजिक तत्वों पर करेगा कार्रवाई। क्या सर, यहाँ पे क्या है कि असामाजिक तत्व स्कूल बंद होने के बाद अधिकतर रहते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, इस कारण यहाँ पर ये घटना हुई है। ऊपर चढ़ के कुछ असामाजिक तत्वों ने खिड़की में से या फिर वो दीवार थोड़ी सी टूटी है उसमें से आग डालने का प्रयास किया है, इस कारण ये घटना हुई है। इसमें लगभग क्या नुकसान हुआ है? सर, यहाँ पर जितनी भी बच्चों की जो अगले वर्ष की बची हुई पुस्तकें थी वो जलकर नष्ट हो गई हैं, और कुछ हमारे स्कूल की टीचिंग एड सामग्री भी थी और फर्नीचर था, उसको भी नुकसान हुआ है। तो असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई के लिए आप प्रेषित करेंगे यहाँ से? जी बिल्कुल सर, हम हमारी द्वारा जो भी असामाजिक तत्व हमारी समझ में आएंगे उनके नाम भी हम बताने का प्रयास करेंगे, और प्रशासन से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी इस समस्या को ध्यान देकर इस असामाजिक तत्वों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। पिपरिया से खबर भारत वर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।